शांति। आज का विषय है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। बहुत ही सुंदर टॉपिक है। हम सभी देखते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है, जो शेड्यूल है, उसमें हम कुछ काम ऐसे हैं जो रिपीटेटिवली करते हैं, जिन्हें हम साधारण कर्म कहते हैं, और वो ज़रूरी भी है। जैसे हम भोजन बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, काम पे जाने वाले ऑफिस जाते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये हमारा जो रूटीन है वो चलता रहता है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं, कभी हमारे दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्यों इस शरीर में हूँ या मैं क्यों इस धरती पर हूँ? ज़रूर कोई वजह तो होगी ना, बिना कारण के तो कोई बात नहीं होती। अगर मैं इस शरीर में हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं सुबह उठ के सिंपली ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, फिर आके सो जाने के लिए तो उस धरती पर नहीं आई होगी ना मैं आत्मा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोचने का विषय है, क्योंकि आज हम मनुष्य चाहना तो बहुत करते हैं, खुद से भी करते हैं, अपने बच्चों से भी करते हैं, कि समाज में हमें बहुत नाम मिले, शान मिले, हमारी बहुत इज्जत हो, प्रतिष्ठा बहुत हो। लेकिन उतना ही ध्यान हमारा इस बात पे होता है कि हमारे मूल्य कैसे हैं, हमारी शिक्षाएं कैसी हैं, हम कैसी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं बच्चों की, हमारा चरित्र कैसा बन रहा है, इन बातों पे हमारा जो ध्यान है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। और ये तो हमारे लिए और भी बहुत बड़ा विषय हो जाता है कि हम सोचें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इसी में ही गुजर जाती है, घर के कामों में और ऑफिस तक, जो हमारी एक सीमित सोच होती है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमें सैलरी बढ़ जाए, बस यहीं तक ही हमारी सोच चलती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मनुष्य बनकर हम इस धरती पर अगर आए हैं, अगर हम जीवात्मा हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य को समझें। लौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि लौकिक शिक्षा को प्राप्त करके वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब हमारे लक्ष्य हैं। जैसे कोई कहता है कि मुझे देश का नेता बनकर देश की सेवा करनी है, या प्रधानमंत्री बनकर मुझे देश को एक अच्छी लीडरशिप देनी है, तो इस तरह की गोल्स हम अपनी लाइफ में बनाते हैं। लेकिन यहाँ ये छोटे छोटे गोल्स हम बनाते, लेकिन यहाँ बात हो रही है जीवन के उद्देश्य की। जीवन के उद्देश्य की माने एक ऐसा उद्देश्य जो मेरे जीवन के अर्थ को स्पेसिफाई करता है और मुझे अंदर से भरपूर करता है। अगर मेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा तो मेरी प्राथमिकताओं की लिस्ट भी स्पष्ट होगी और मेरे कर्म स्वतः ही ठीक चलेंगे, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। तो जैसे हमें भगवान ने समझाया है कि इस संसार में अभी जो समय चल रहा है, आप चाहे जो भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते हैं। ये एक निश्चित बात है, पक्की बात है, क्योंकि मनुष्य जो सुख चाहता है, जो खुशी, शांति, आनंद चाहता है, वो स्थायी रूप से चाहता है। और हमें जो प्राप्तियाँ होती हैं हद के जीवन में, वो स्थायी नहीं होती है, थोड़े समय के लिए होती हैं, और ये बात हम सभी ने महसूस की है। हमने ये भी देखा है और देखते हैं कि तन का रोग लगा हुआ है, मन की अशांति सभी को है, कितनी ज़्यादा मन की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, डिप्रेशन कितने ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, धन की कमी से कोई परेशान है, तो कोई अपने रिश्तों से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई प्रकृति की हलचल से परेशान है, कितनी नेचुरल कैलमिटीज़ का इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं। तो कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है हमारे जीवन में, दुख है, रोग है, शोक और चिंता ऐसे बने हुए हैं जैसे ये हमारे जीवन के इनसेपरेबल पार्ट हैं, जो अलग नहीं हो सकते। और यही कारण है कि आज हमारा थॉट प्रोसेस ये हो चुका है कि हम कहते हैं चिंता नेचुरल है, क्रोध आना नेचुरल है,
तो जब हम इन विकारों को, जो हमारे दुश्मन हैं, इनको जब हम नेचुरल एंडोर्स करते हैं, तो हम अपने इम्प्रूवमेंट के सारे दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को बहुत धीमा कर लेते हैं। तो भगवान हमको ये समझाते हैं, हमको ये गहरी समझ देते हैं कि जीवन का लक्ष्य वो होता है जो आत्मा को अंदर से भरपूर करता है, और भरपूर करने के साथ साथ उसके जीवन के अर्थ को भी स्पष्ट करता है कि आखिर मैं आत्मा इस संसार में आई क्यों, कोई वजह तो होगी ना। तो भगवान ने हमको ये समझाया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। अब जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति दिस टर्म में लुक टू सम पीपल मे बी हैवियर, बट ऐसा नहीं है। जीवन मुक्ति को सिंपली ये कह सकते हैं कि जीवन की यात्रा में चलते चलते सारे कर्म करते, अपने सारे रोल प्ले करते करते दुख की स्थिति से ऊपर रहना, बंधन में ना आना, किसी भी दुख के बंधन में ना आना, और एक अविनाशी जो ऐसी खुशी, ऐसा सुख जो आपको जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उस स्थिति में रहना, जिसे भगवान ने समझाया कि वैकुंठ में, स्वर्ग में संपूर्ण सुख शांति संपन्न जो श्री नारायण श्री लक्ष्मी का पद है, उसकी प्राप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे से ऊंचा एकमात्र यही लक्ष्य है, जिसे कहेंगे मनुष्य आत्मा के लिए मर्तबा, एक सबसे हाईएस्ट पोजीशन ये हमारे लिए है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हम इस पर सोचें, चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम समय विषय विकारों में व्यर्थ जा रहा है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं। तो हम सोचें कि कैसे हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करके अपने लक्ष्य में लगाएं। वो तब लगा सकेंगे जब हम अपने लक्ष्य को पहचान सकेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति कराना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये लक्ष्य स्वयं परमात्मा भगवान ही प्राप्त कराते हैं। उसके जो साधन हैं वो है ईश्वरीय विद्या और सहज राजयोग। तो परमपिता परमात्मा शिव ने इस सर्वोच्च ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, ताकि सभी मनुष्य अपने घर गृहस्थ में रहते भी, सभी काम करते हुए भी अपने लिए डेली एक दो घंटे का समय निकालें और इस शिक्षा को प्राप्त करें। और एक और भी अच्छी बात है कि ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे कोई अगर निर्धन व्यक्ति भी है तो वो भी अपना भाग्य बना सकता है। सभी इसको प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कन्याएं हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे कोई वृद्ध है, कोई पुरुष है, स्त्री है, माता है, कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से सभी परमपिता परमात्मा की संतान है। तो इस पर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि लक्ष्मी नारायण, ये देव पद क्या है? इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि डबल ताजधारी है या सोने के महलों में है। इट्स मोर अबाउट इंटरनल फुलफिलिंगनेस, जो पवित्रता की, संपूर्ण निर्विकारिता की स्थिति है, यही हाईएस्ट स्थिति है। क्योंकि उतने ही ऊंचे हो आप जितने आप पवित्र हो। तो जैसे हम संसार में चाहते हैं कि हमें ये मिले, बहुत धन मिल जाए, बहुत प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ये सोचने वाली बात है कि ये आपकी प्योरिटी पे डिपेंड करता है। आत्मा की जितनी प्योरिटी है, आत्मा नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट, स्पेसिफिक एफर्ट, धन को या प्रतिष्ठा को या रिसोर्सेस को नेचुरली अपनी तरफ खींच लेगी। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने प्योरिटी के लेवल को बढ़ाएं, और ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है। इसके लिए एक बहुत कमिटमेंट चाहिए अपने साथ, अपनी दिनचर्या के साथ। तो हम इस पर सोचें, विचार करें कि क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वर्तमान समय हम सभी का अंतिम जन्म है, और अभी अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा है कि एक ही बार वो मूल गीता ज्ञान सुनाते हैं संगम पर,
तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं।